नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे सपोर्ट टिप्स पे। दोस्तों आज हम बात की जा रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसी खोलकर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं और अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या सरकारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या इसका प्रोसेस है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूँ कि अगर आप न्यू बिजनेस आइडिया, टेक्नोलॉजी, बिजनेस टिप्स, ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बिजनेस कम लागत और बहुत कम रिस्क में शुरू होता है। इसमें कागजी कार्रवाई भी बहुत कम होती है और आपको बाकी कानूनी झंझट भी नए के बराबर होते हैं। आप इसे छोटे पैमाने पर भी शुरू कर सकते हैं और इतना कमा सकते हैं कि आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और बड़े महानगरों के साथ साथ अब छोटे शहरों में भी सिक्योरिटी पर्सनल्स की मांग बढ़ गई है। फैक्ट्री, सोसाइटी, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और बड़े आयोजन में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में सिक्योरिटी कंपनी खोलना इनकम का एक अच्छा जरिया बन सकता है। अकेले बना सकते हैं फर्म। सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी होगी। आप चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलें या फिर पार्टनरशिप कंपनी या प्रोप्राइटर फर्म। इसमें भी पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलना ज़्यादा आसान होता है और हर साल जो कागजी कार्रवाई होती है वह भी प्राइवेट कंपनी के मुकाबले बहुत कम होती है। एजेंसी का रजिस्ट्रेशन। सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस देती है इसलिए आपकी कंपनी सर्विस टैक्स के दायरे में आएगी और आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप 10 या उससे ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं तो आपको ISI से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 20 से ज़्यादा हैं तो आपको PF और रजिस्ट्रेशन कराना होगा और लेबर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। कहाँ से मिलता है लाइसेंस? इसके बाद आपको एजेंसी का लाइसेंस लेना होगा जो राज्य सरकार का गृह विभाग देता है पुलिस से मंजूरी मिलने के बाद। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत इनका लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस के लिए 5,000 से 25,000 रुपये तक की फ़ीस लग सकती है। ये आप मंथली की करना चाहते हैं या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं या पूरे राज्य में करना चाहते हैं, ये फ़ीस उस पर डिपेंड करती है। भर्ती, वर्दी, ट्रेनिंग। आपको सुरक्षाकर्मी की भर्ती और उसकी ट्रेनिंग और वर्दी की तैयार करवानी होगी। वर्दी की तस्वीर आपको आवेदन के साथ लगानी होगी। मोटे तौर पर सभी राज्यों में नियम एक जैसा ही है। पुरुष सुरक्षाकर्मी की हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर और महिला सुरक्षाकर्मी की हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर हो। उनकी नज़र भी ठीक हो। पुरुष का सीना फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर वह 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता हो। उनका ट्रेनिंग का बंदोबस्त भी करना होगा। आपको ऐसे लोगों से संपर्क करना होगा जिनको अपनी कंपनी, सोसाइटी, मॉल, अस्पताल वगैरह में सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है और शुरू में आप किसी बड़ी एजेंसी के साथ मिलकर भी काम शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई बिजनेस आइडिया और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।